ग्रेट। सो ऐसा है कि हमारे पास Redmi Note 10 Pro भी था जिसके बैक कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे, और हमारे पास iPhone 12 भी था। तो हमने सोचा क्यों ना एक फन कंपैरिजन कर लिया जाए, और ये सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि Redmi Note 10 Pro अभी भी अंडर 15 के वन ऑफ द बेस्ट डील्स है जो तुम ले सकते हो, एंड iPhone 12 खरीदने वाले अंडर 15 अंडर 40 के अभी जो भी सेल आने वाली है तो उसमें वो लोग 100% ऑप्ट करेंगे। तो हमने सोचा जब ये दोनों डिवाइसेज लास्ट ईयर की एक मिड रेंजर दूसरी फ्लैगशिप जब हमारे पास है तो क्यों ना एक बेहतरीन सा फन कंपैरिजन कर लिया जाए, फ्रॉम लाइक सेल्फीज टू फ्रंट कैमरा टू बैक कैमरा टू अल्ट्रा वाइड। आईफोन में मैक्रो है नहीं सो इट डजंट मेक सेंस, सो और पोर्ट्रेट। सो हमने ना लाइक एक कंप्लीट फन कंपैरिजन किया हुआ है, और कंक्लूजन में हम लास्ट में बात करेंगे, पहले कंपैरिजन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले पहली फोटो देखते हैं। तो इसमें लाइक फर्स्ट इंप्रेशन तो दोनों फोटोज बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट अगर हम खेतों में और दीवार पे जब देखेंगे तो डिटेल्स Redmi में बहुत ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम जब ये आसमान और एक्चुअल रेलिंग पे तुम देखोगे तो वहाँ पे लाइक जो लाइट को जो बैलेंस किया है वो आईफोन ने बेटर किया, बट दोनों ही फोटो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। ओके, ये फोटो देख के सबसे पहली चीज़ समझ में आ जाती है कि आईफोन 12 का प्राइमरी लेंस भी जो है वो थोड़ा सा वाइड है Redmi के कंपैरिजन में, बट उसके अलावा अगर देखोगे तो Redmi के फ़ोन में जो HDR है पेड़ों के पीछे वो काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल हुआ है आईफोन के कंपैरिजन में। और अगर सेम फोटो को अल्ट्रा वाइड के एंगल से देखोगे तब भी आईफोन की फ़ोटो थोड़ी ज़्यादा वाइडर है, एट द सेम टाइम उसमें फिश आई वाला इफेक्ट आ गया है, बट ये थोड़ी सी ह्यूइश में है, लाइक येलोइश टिंट इसमें बहुत ज़्यादा, बट Redmi में बहुत ज़्यादा शार्प, और इवन दो इसमें भी HDR आईफोन से कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से बैलेंस हुआ है। अगर इस फोटो की बात करें तो लाइक स्किन टोन तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस है, बट पीछे वाली वॉल पे देखोगे तो Redmi वाले फ़ोन में ज़्यादा बेटर तरीके से डिटेल्स कैप्चर हुई हैं। इवन दो ये फोटो में आईफोन का स्काई वाला कलर ज़्यादा बेटर है, बट मेरे फेस पे जब भी वो शेडो आ रही वो पार्ट आईफोन ने बहुत ज़्यादा क्रश कर दिया, तो वो पोर्शन थोड़ा ज़्यादा खराब लग रहा है, बट बाकी दोनों फोटोज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इस वाली फोटो में ओवरऑल Redmi की जो सैचुरेशन है वो कहीं ज़्यादा शार्प है, तो ओवर सैचुरेटेड तो नहीं बोलूंगा मैं, बट डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है कंपेयर टू आईफोन। ये फोटो में भी आईफोन ने HDR की जब भी बारी आई तो बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, फेस पे भी लाइट्स काफी बढ़िया से कैप्चर किए, बट Redmi इज नॉट बैड। बट व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट आईफोन इज लाइक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन पोर्ट्रेट है, लाइक इवन दो मेरे हाथ के पास देखोगे वहां पे ग्रेजुअली वो बोके मोड ने उसको ब्लर कर दिया है, Redmi ने नहीं किया है, बट जो एक डेप्थ ऑफ फील्ड होती है ना वो आईफोन की बहुत ज़्यादा सॉलिड है, Redmi में थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद वो फोटो और ज़्यादा बेटर लगती, बट स्किन टोन भी थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया, इस वजह से भी आई वुड प्रिफर आईफोन 12 ओवर Redmi। इट कम्स टू वीडियो आई डोंट थिंक स्टेबलाइजेशन को लेके बिल्कुल भी प्रॉब्लम है, बट Redmi का जो वीडियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, इस वजह से डार्कर पार्ट्स में जैसे पेड़ की पत्ती है और बाकी जगह भी देखोगे तो शेडो में उतनी ज़्यादा डिटेल कैप्चर नहीं कर पाता, बट आईफोन वहाँ पे भी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रंट कैमरे की बात करोगे तो भी आईफोन डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा वाइडर है और उस चीज़ का उसको फ़ायदा मिल जाता है, बट और HDR आईफोन ने फ्रंट कैमरे पे काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल किया, लाइक वो वाइट बैलेंस बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं कर रहा है आईफोन में। अभी इस क्लिप को देखेंगे, ऑटो फोकस चेक कर रहा है, दोनों में ऑटो फोकस काफ़ी सही है, बोके इफेक्ट भी नेचुरल दोनों में बहुत सही जा रहा है, बट डेफिनेटली Redmi वाली जो वीडियो है वो थोड़ी सी सैचुरेटेड है, बट ऑन अ फर्स्ट ग्लांस देखने में ज़्यादा बेटर भी यही लगती है। दोनों को साइड बाई साइड देखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक Redmi लुक्स बेटर, बट वो वंस अगेन शेडो वाले पार्ट में डिटेल्स आईफोन ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहा है। HDR Redmi ने बेहतरीन तरीके से मेनटेन किया हुआ है यहाँ पे, बट जस्ट एज आई सेड शेडो पार्ट में डिटेल्स थोड़ा सा मेंटेन करने में प्रॉब्लम है, और जब भी स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, और HDR भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लोन कर दिया है Redmi ने, बट उसके अलावा फुटेज इज लाइक इट्स प्रिटी ग्रेट। अभी आप सबने देख लिया, लाइक सारे के सारे सैंपल्स देख लिए, और
वी ऑल हैव टू एडमिट वन थिंग, रेडमी नोट 10 प्रो इज एन अमेजिंग डिवाइस, वो जिस दाम पे आती है, लाइक अंडर 15K इट जस्ट आउट परफॉर्म्स एवरी सिंगल डिवाइस जो भी इस सेगमेंट में आता है. बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ कंसिडर करने की ज़रूरत है कि ये सारे के सारे सैम्पल्स जो थे वो कंप्लीट डे लाइट में, स्टैंडर्ड लाइटिंग में, लाइक कंप्लीट डे लाइट नॉर्मल शॉट्स थे, निकाला शूट कर लिया, एकदम आइडल सिचुएशन. सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जिसको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि नाइट फोटोग्राफी क्या है, मैक्रो शॉट्स क्या है, टेलीफोटो लेंस क्या है, या फिर प्रो मोड क्या है, उसके लिए एक 15,000 की 20,000 की डिवाइस जो जेन्युइनली ऑथेंटिक कैमरा एक्सपीरियंस देती है, इट्स मोर देन इनफ, मोर देन सफिशियंट जो वो एक्चुअली यूज़ कर सकता है. सो डेफिनेटली डे लाइट के सर्कमस्टेंसेज में आईफोन हो चाहे S21 Ultra हो, आई डोंट थिंक ये कोई ह्यूज सिग्निफिकेंस डिफरेंस ला पाएंगे. बट द मोमेंट टेलीफोटो आ जाता है, अल्ट्रा वाइड आ जाता है, नाइट शॉट्स आ जाते हैं, वीडियोज़ आ जाते हैं, चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो बैक हो, प्रो मोड, यू नो लाइक थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल्स में जाना शुरू करते हो, या फिर आप थोड़ा सा भी प्रोफेशनल होना शुरू करते हो उस कैमरे को लेके, कैमरा स्विच करना हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ओवरऑल लाइक जो एक्सपीरियंस होता है, शटर लैग, ये सारी चीज़ें को जब इंक्लूड कर दिया जाता है एक पैकेज में ना, तो ये जो 1,00,000 रुपये, 50,000, 60,000, 40,000 का जो डिफरेंस होता है ना, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है. सो आई होप ये वीडियो जो था ना, ये बहुत ही फन था, इट वॉज ग्रेट फॉर अस, लाइक हमारे लिए तो बहुत ही मज़ेदार था कि लाइक एक 15,000 की डिवाइस एक 50,000, 60,000, 70,000 की डिवाइस के साथ कॉम्पिटीट कर रही है. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, एंड आई होप तुम्हारे लिए भी था. अगर तो प्लीज़ डू गिव अस अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो यार, उन सारे आईफोन फैन बॉयज़ को करो जो बोलते हैं कि बेस्ट फोटोज वीडियोज आते हैं, उनको शेयर करो, उनको थोड़ा ऐसा उनके जले पे नमक छिड़को, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.